के। अच्छा तो आप सभी लोगों ने मैसेज पढ़ा होगा राइट। टॉपिक क्या था, व्हाट वाज द टॉपिक, जिसको भी पता हाथ ऊपर करके बता सकते हैं, डोंट वरी। एनीवन, आप बोल रहे थे कुछ, हाउ टू अंडरस्टैंड द इनकंसीवेबल। ओके, एक जन को पता है, कितने लोग होंगे रफली, हम लोग कितने लोग होंगे, हम लोग बैठे हुए हैं जितने लोग, कम से कम मोर देन 35, वील बी समवेयर अराउंड, अगर हम लोग टैली करने आएंगे अबाउट 80, अगर हर एक सीट को पकड़ेंगे राइट। बट उसमें से कितने लोगों को टॉपिक का नाम पता है, 80 out of 1। तो भगवान भगवद गीता में क्या बोलते हैं, मनुष्यानाम सहस्रेशु, कि मतलब इतने सारे मनुष्य है ना, हजारों में से कोई एक प्रयास करता है, उसमें से भी फिर एक सेट बनता है जो थोड़ा बहुत समझ पाता है, और समझने के बाद भी बहुत कम लोग होते हैं जो पहुंच पाते हैं ना, तो ये डिफरेंस होता है। तो हम लोग को ये देखना है, इंपॉर्टेंस किस पे है कि पता करना है, वी आर टॉकिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग समथिंग राइट, कुछ समझने की बात कर रहे हैं टॉपिक में, बट समझने के लिए थोड़ा बहुत तो इंक्वायर करना पड़ेगा, फिर ऐसे ही समझ आ जाएगी। तो यही टॉपिक है मेरे हर सेशन में, आप लोगों ने जितने लोगों ने अटेंड किया होगा मल्टीपल टाइम्स, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही रहता है, बट इसको बोल सकते हैं अनफॉर्चुनेटली हम लोग, कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सबने हाथ ऊपर उठाया कि हमको टॉपिक पता है। तो बिफोर स्टार्टिंग आई विल डू स्मॉल मंगलाचरण। मंगलाचरण मींस टू ऑफर आवर ग्रेटिट्यूड, ऑफर आवर प्रेयर्स टू द आचार्यस, टू कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, श्रीमती राधा रानी, एंड देन वी विल बिगिन राइट बाय सीकिंग ब्लेसिंग्स, क्योंकि हमारा कुछ नहीं है, व्हाट एवर वी आर स्पीकिंग इज गिवन बाय द आचार्यस एंड दैट इज व्हाट वी आर स्पीकिंग, देयर इज नो रियलाइजेशन, हमारा पर्सनल कुछ नहीं है, जस्ट शेयरिंग, और इससे हम लोग को रियलाइजेशन होगा, जो हम लोग श्रवण करेंगे, जो आप लोगों ने कीर्तन किया, बहुत लोग आग बंद करके कीर्तन कर रहे थे, तो रियलाइजेशन हो रहे हैं राइट। सो वी प्रे नाउ एटलीस्ट कि हम लोगों को थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस दे, थोड़ा वाक चातुर्य या बहुत सारी चीजें जो भी रिक्वायर्ड हो इसके लिए, सो वी गेट इट राइट। आई जस्ट प्रे एंड देन वी कैन स्टार्ट। So, to understand something, right? तो आप हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ एन एनालॉजी राइट। हम लोगों को अगर समझना हो कि कोई चीज कहाँ से आई है, बिगिन कहाँ से हुआ, कैसे समझते हैं हम लोग, हाथ ऊपर करके बताइए। यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि ये चीज कहाँ से आई है, आपको बताना हो तो कैसे बताएंगे, उसके सोर्स का पता लगाएंगे राइट। एक एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, कोई भी एक एग्जाम्पल, सो फॉर यू अंडरस्टैंडिंग इज लाइट बल्ब से आती है, दैट इज अ सोर्स। ओके ठीक है, और कोई बोलना चाहेगा, इसमें भी सेम एग्जाम्पल हम लोग यूज कर सकते हैं, 80 लोग बैठे हैं, एक जन वॉलेंटियर कर रहा है राइट, वी नीड मोर वॉलेंटियर्स, इम्पर्सनल नहीं है, बोलिए। नॉट ऑफ लाइट, आप अपना कुछ दूसरा एग्जाम्पल दीजिए, मतलब आप ऐसा कोई चीज बताइए जैसे आपको किसी चीज को समझना हो तो कैसे समझेंगे आप उसको, थ्रू बुक्स, दैट मीन्स बाय नॉलेज, बाय इंक्वायरिंग, काइंड ऑफ आप इंक्वायर करेंगे थ्रू राइट सोर्स राइट। एनी वन एल्स, कोई नहीं, ओके, सोशल मीडिया। अच्छा, सो जो हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में, द मटेरियलिस्टिक पीपल राइट, हम लोग भी मटेरियलिस्टिक पीपल ही हैं, दैट इज ट्रू,
इसको ऐसे नहीं गाली समझ के नहीं लेना है कि मटेरियलिस्टिक बोल दिया मतलब गाली है, क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग सेशंस अटेंड कर रहे हैं तो हमेशा मटेरियलिस्टिक पीपल को कंडेम किया जाता है, प्रभुपाद बहुत हार्ड स्मैश करते हैं, तो इसको वैसे मत समझिए। वी आर ऑल मटीरियलिस्टिक ओनली, नो वन इज गॉड कॉन्शियस एज ऑफ नाउ। अभी हम लोग को पता चला है, थोड़ी सी लाइट दिखी है, इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरे उजाले में है, राइट। तो आप लोगों में पता है, आप लोगों को अगर पता हो तो बिच्छू होता है जो स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो कहाँ से निकलता है किसी को पता, पढ़ा है किसी ने, एग से निकलता, सही बात है, लेकिन एग कहाँ होता है। आप यदि देखेंगे जो फीमेल स्कॉर्पियन है वो चावल के नीचे प्रेफर करती है अंडे को देना, राइट। और जब स्कॉर्पियो निकलता है तो उसको अंडे को कोई नहीं देख सकता, उसके सबको दिखता है वो चावल में से निकल रहा है, जैसा कि एग्जाम्पल दिया अभी हमने लाइट का, राइट। दैट इज नॉट रॉन्ग बट यू कांट से दैट इज करेक्ट, गलत नहीं है, ये नहीं बोल सकते दैट इज रॉन्ग। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे मैंने आपको पूछा लाइट का सोर्स क्या है, देन इफ यू से दैट इट इज बल्ब, देन दैट्स रॉन्ग। सोर्स इज नॉट द बल्ब, बल्ब इज अ मीडियम थ्रू विच वी परसीव लाइट, राइट। दैट्स जस्ट अ मीडियम, एक मीडियम है वो। अगर ये मीडियम है, एनर्जी है, बट मैं इसको कनेक्शन ना दूं, हाउ विल यू परसीव। हम लोग टच करेंगे क्या, लाइव वायर टेस्टिंग रेलवे पे जो होता है ट्रेन के ऊपर, राइट। वी डोंट डू दैट, वहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट है, राइट, नेकेड आइज से नहीं दिख रही है। जस्ट बिकॉज वी कैन परसीव लाइट फ्रॉम दिस बल्ब थ्रू आर नेकेड आइज डजेंट मीन दैट दिस इज द सोर्स ऑफ इट, राइट। सो द मटीरियलिस्टिक पीपल व्हाट दे थिंक दैट द राइस इज द सोर्स ऑफ द स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन डजेंट कम आउट ऑफ एग, और दे डू नॉट काइंड ऑफ अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ फीमेल हु लेड द एग एंड देन फ्रॉम दैट केम द स्कॉर्पियन। ये भी अभी तक हाफ अंडरस्टैंडिंग है, दिस इज समथिंग व्हिच यू कॉल हाफ बेक्ड ट्रुथ, नॉट अ कंप्लीट ट्रुथ एज ऑफ नाउ, राइट। सिमिलरली यदि मैं आप लोगों को बोलूं, इतना अभी आप सिर्फ जन्माष्टमी पे आई है 7 तारीख को, और सिर्फ इस्कॉन में भीड़ देखिएगा आप लोग, और सिर्फ मैं उसमें यदि आप लोगों को बोलूं कि इतने सारे लोगों का जो सृजन है या फिर जो इनका क्रिएशन है, इसका कारण एक ही व्यक्ति है, कितने लोग मानेंगे, हाथ ऊपर कीजिए, कितने लोग मानेंगे इस बात को कि इतने सारे लोगों को एक ही जन ने क्रिएट किया है। ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए, थैंक यू फॉर योर ऑनेस्टी, बहुत लोग हैं जो नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये क्यों नहीं समझ पाते हम लोग, क्योंकि ले हमारा पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज मंडेन पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट। अब इस अंडरस्टैंडिंग पे यदि आप देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल कि मटीरियलिस्टिक पीपल विथ मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू कैन नॉट अंडरस्टैंड समथिंग विच इज स्पिरिचुअल, राइट। हम लोग स्पिरिचुअल चीज को परसीव ही नहीं कर पाते हैं, और जो यहाँ पे है, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द इनकंसीवेबल, विच इज इनकंसीवेबल थ्रू आर फिजिकल सेंसेस, फिजिकल बॉडी एंड एवरीथिंग, लाइक वॉट एवर वी आर ट्राइंग टू परसीव मटीरियल विजन से। सो वॉट इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड इज रिक्वायर्ड नॉलेज, राइट। ज्ञान, ज्ञानम विज्ञानम सहितम, ज्ञानम इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, विज्ञानम इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, नॉलेज एज वेल एज अप्लाइड नॉलेज, राइट, बोथ आर रिक्वायर्ड। कि अभी आप लोग को दे तो दिया, एक इंस्ट्रूमेंट दे दिया मैंने, बोला यही है, ये आपका सारे सॉल्यूशन का हल है, लेट्स से जनरेटर, लाइट खत्म हो गई, जनरेटर सॉल्यूशन है। बट अगर आप लोगों को मैं फर्स्ट टाइम उससे इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, और मैं आप लोगों को बताऊ ही नहीं कि जनरेटर को यूज कैसे करना है, आपके घर के कनेक्शंस कैसे इसमें ये करना है, इनपुट देना उसको, या कैसे कनेक्ट करना है इन द सेंस, तो आपके किसी प्रॉफिट का होगा, वो किसी फायदे का होगा, बहुत बड़ा जनरेटर दे दिया, वो 4 दिन 5 दिन 10 दिन आपके घर को पूरा वोल्टेज दे सकता है, बट यू डू नॉट हैव द अप्लाइड नॉलेज, यू डू नॉट नो द विज्ञान, विज्ञान नहीं पता हमको, प्रॉफिट है उसका, कुछ कुछ प्रॉफिट नहीं रहेगा। सिमिलरली इन स्पिरिचुअल लाइफ ये जो ज्ञान होता है, दिस इज रिक्वायर्ड एज वेल, मतलब इतना इक्वली इंपॉर्टेंट होता है विज्ञान भी, आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास ज्ञान हो गया बस। तो इसको समझना है यदि, तो बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी के लिए क्या बोलते हैं, हम ये मानते हैं ना, हमें ये लगता है, हमारे हिसाब से ये भगवान है, जैसे गणेश चतुर्थी आएगी तो गणेश जी भगवान हो जाएंगे, नवरात्रि आएगी दुर्गा जी भगवान हो जाएंगे, फिर उसके बाद में और क्या होता है, दुर्गा पूजा के बाद में जन्माष्टमी है तो कृष्ण भगवान हो जाएंगे, शिवरात्रि पे शिव जी भगवान हो जाएंगे,
हमारा भगवान का कंसेप्ट क्या होता है, कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट। आप में से कितने लोगों ने मेडिकल फील्ड को, मेडिकल फील्ड से हैं आप में से कोई, है ऐसा मेडिकल फील्ड या कोई जाना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है कोई ऐसा, तो इंजीनियरिंग पकड़ लीजिए या आप लोग आपका MBBS पकड़ लीजिए, स्टडी ऑफ डॉक्टर। तो लेट्स से डॉक्टर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट। डॉक्टर्स की स्टडी का पीरियड कितना होता है किसी को पता है? 5 ईयर्स का ड्यूरेशन होता है, एक्चुअली 2 से 5.5 ईयर्स, दैट्स द एग्जैक्ट, राइट। तो व्यक्ति 5.5 ईयर्स करने के बाद में देन ही कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, ही कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, देन ही गेट्स द प्रैक्टिसिंग लाइसेंस, राइट। ऐसा बोल देते हैं कि फुल फ्लेज डॉक्टर हो गया, अभी इसको हार्ट सर्जरी करवा दो, राइट। तो अभी किसी के चेस्ट में पेन हो रहा है, इज हैविंग पेन इन द चेस्ट, और बोलते हैं मुझे लग रहा है शायद से इसको कुछ तो हुआ है अंदर, चेस्ट पेन हो रहा, गैस हो गया लगता है इसकी वजह से, चेस्ट पेन हो रहा है, गैस नहीं, मुझे लग रहा है इसको हार्ट अटैक आने वाला है। तो ओपिनियन की आवश्यकता वहां पे कुछ होगी? ओपिनियन क्या क्यों कर रहे हैं वहां, गैस वर्क क्यों कर रहे हैं? और गैस करने से भी पहले जो पेशेंट होगा वो बोलेगा भैया तुम बता क्यों रहे हो, तुम डॉक्टर हो गया, हम तुम्हारे पास क्यों आए या आपके पास क्यों आए, आप डॉक्टर हैं क्या, डॉक्टर के पास जाएंगे ना। तो जब हम अध्यात्म की बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो ऐसे कैसे किसी के भी मुंह से कुछ भी सुन लेते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों का, अन्य अन्य लोगों का, जो तिलक लगा लिए, भगवा कपड़ा पहन लिए, पीला कपड़ा, पीला वस्त्र पहन लिए, नारंगी पहन लिए, लाल कपड़ा पहन लिए, और फिर उसके बाद भगवान के ऊपर बोलना चालू कर दिए। कितने लोग हैं जितने लोग सुनते हैं ऐसे लोगों को, हाथ ऊपर कीजिए, मैं भी सुनता हूँ ताकि पता चले गलत क्या क्या बोल रहे हैं वो लोग, राइट। सब सुन रहे हैं ना हम लोग, लेकिन किसी ने इंक्वायर किया उनके बारे में कि वो है कि नहीं। तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, नॉलेज इंक्वायर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज है। तो स्पिरिचुअल लाइफ में भी हमको नॉलेज चाहिए, बट नॉलेज कैसे मिलेगी, नॉलेज कैसे मिलती है स्पिरिचुअल मास्टर के थ्रू, बट आफ्टर दैट तद्विधि प्रणी प्रश्न प्रणिपाते ना परि प्रश्न ना सेवया उपदेक्ष्यन्ति के ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। भगवान बता रहे हैं भगवद गीता में कि प्रश्न करना है, लेकिन किस प्रकार का प्रश्न करना, परि प्रश्न ना, परि का अर्थ कितने लोगों को पता है, वो परी उड़ने वाली नहीं, वो वाली परी नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। तो परी आप लोग मंदिर में आते हैं तो परिक्रमा बोला जाता है, उसे क्रमा भी बोल सकते हैं ना, क्यों परिक्रमा बोला जाता है उसको, कितने लोग बता सकते हैं, किसी, इतने सारे लोग परिक्रमा कर रहे हैं इतने सालों से, कोई बता सकता है उस शब्द का अर्थ क्या है, परि का अर्थ क्या है, एनीवन, बोलिए बोलिए जल्दी जल्दी। सेंटर को तो मध्य बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, ओके, नो गैस वर्क। तो परि का अर्थ मतलब पूर्ण रूप से, हर एक तरफ से, इसीलिए उसे कहा जाता है परिक्रमा। तो परि प्रश्न ना मतलब हर एक एंगल से प्रश्न पूछना है, फ्रॉम एवरी एंगल वन शुड आस्क और इंक्वायर फ्रॉम द स्पिरिचुअल मास्टर दिस नॉलेज, राइट। दैट्स द मेन पॉइंट। और नॉलेज ऐसे ही मिल जाता है क्या, क्या लगता है आप लोग, इस इजी ऐसे मिल जाता है नॉलेज? क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप अलग अलग फील्ड्स में इतने वर्षों तक क्या कर रहे हैं, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, सबसे पहले तो स्टडी कर रहे हैं, वो स्टडी करने के लिए भी क्वालिफाई होना पड़ता है, राइट। आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, किसी को एरोनॉटिकल साइंस में डिग्री परस्यू करनी है, किसी को किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, लेट्स से साइकोलॉजी में PhD करनी है, तो बस इच्छा करने से मिल जाएगा क्या? लेकिन भक्ति में ऐसा है, यू जस्ट हैव टू डिजायर। आपको कैसी इच्छा होनी चाहिए, तीव्र ना भक्ति योगी, तीव्र होना चाहिए, और जो आपको प्रैक्टिस बताया गया है उसको बहुत इंटेंसली करना है, इतना सिंपल है। और कोई ब्रांच है आपका बाहर जो बोलता है बस आप डिजायर करो आपको एडमिशन दे देंगे IIT में, या फिर IIM में, या फिर एम्स में, या फिर NMIMS, यही है ना, साइकोलॉजी, कांट मिस प्रोनाउंस, इट्स गोइंग ऑनलाइन। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कोई बोलता है ऐसा नहीं,
जैसे कट ऑफ हमारा इतना है, आप इतना लाइए तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और उसमें भी यदि आप इतना डोनेशन या ट्यूशन फी पे कर सकते हैं देन यू आर मोस्ट वेलकम, अदरवाइज प्लीज फाइंड सम अनदर कॉलेज। राइट, क्या हो रहा हमारे साथ, व्हाट आर वी डूइंग, व्हाट इज हैपनिंग टू अस। हम लोग बाहर वो चीज सीखने के लिए इतना समय दे रहे हैं ना, इतनी तपस्या कर रहे हैं बाहर, एक एक सेमेस्टर में कम से कम ट्यूटोरियल्स पकड़ करके, असाइनमेंट्स पकड़ करके, सेम्स पकड़ करके, प्रीलिम्स पकड़ करके, 6 महीने के बीच में ही चार चार पांच पांच एग्जाम्स देता है एक विद्यार्थी ना, असाइनमेंट सबमिट करता रात रात भर जा करके। लेकिन जब स्पिरिचुअल लाइफ की बात आती है तो ऐसे कैजुअली बोल देते, नहीं, ऐसे नहीं, मेरे हिसाब से तो यही है, मैं यही मानता हूँ, हम इसी को पूजेंगे, हम इन्हीं को मानेंगे और कुछ नहीं। सो दैट इज द मेन पॉइंट, हमको वो देखना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या समझना चाह रहे हैं। आईआईटी में जाना है और आईटीआई की आप प्रिपरेशन करेंगे, पॉसिबल है क्या? बोलेंगे दोनों में आई है, दोनों में टी है, लेकिन आगे पीछे कर दिए तो कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है। कितने लोग ऐसे जो आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, बाप रे, मैं तो कर रहा था अपने टाइम पे, कोई नहीं यहाँ पे, गुड, वेरी गुड, नहीं कर, यूजलेस एंडेवर टू गेट मोर एंटेंगल्ड। मटेरियल वर्ल्ड ऐसा ही है, आप मेहनत करते हो और ज्यादा मेहनत करते हो ताकि और ज्यादा फंसो, दैट इज द रियलिटी। राइट, कितने लोग हैं जो आईटीआई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी कोई नहीं कर रहा, किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गोइंग बैक होम, बैक टू गॉडहेड। कितने लोग हैं जो भगवत धाम जाने का प्रिपरेशन कर रहे हैं, हाथ ऊपर कीजिए, हाथ नीचे कर लीजिए। लेकिन आप लोग का प्रिपरेशन अभी भी हाफ बेक्ड है, क्यों, टॉपिक ही नहीं पता लेक्चर का, आप लोग कैसे प्रिपरेशन हो रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है ना, ये आ गया। अब यदि हम लोग समझने का प्रयास करें, नॉलेज हो गया ना, भगवान तो बोल रहे हैं प्रश्न करो हर एक रूप से, पूर्ण रूप से, लेकिन प्रश्न किससे किया जाए, स्पिरिचुअल मास्टर से। राइट, तो बहुत सारे लोगों का स्पिरिचुअल मास्टर का मतलब क्या होता है कि उनके पास जाएंगे, लेकिन किस लिए जाएंगे हम लोग, कि मेरा बिजनेस लॉस में चला गया, थोड़ा बाबा जी कृपा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, बच्चे के दांत में दर्द है, या फिर हमारी शादी नहीं हो रही है, हमारा ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, तो थोड़ा देखिए इसको कुछ करिए। तो क्या गुरु के पास इसलिए जाया जाता है, भौतिक समस्याओं का निवारण लाने के लिए? नहीं ना। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग भी तो वही कर रहे हैं एक हिसाब से। फ्रॉम वन वे, कान को ऐसे पकड़ूं, इस कान को या ऐसे पकड़ूं फॉर एग्जाम्पल, या ऐसे पकड़ूं, क्या है बात, एक ही तो है, कान ही पकड़ रहा हूं ना। तो उसी हिसाब से हमको क्या समझना है कि हमको इंक्वायर क्या करना है, वी हैव टू इंक्वायर अबाउट समवन हु इज इनकंसीवेबल। जिनको सब नहीं समझ पाते, सब कुछ होते हुए भी सब लोग नहीं समझ पा रहे, भगवान ने बता दिया है कि अपने बारे में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जिनके पास आप जाएंगे, या जब आप आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ करेंगे, यू बिगिन योर स्पिरिचुअल लाइफ, राइट, तो आप पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हाँ कुछ पता चल रहा है मुझको, भगवान ने कुछ कुछ दिया गीता में अपने बारे में, अपने धाम के बारे में, आसुरी प्रवृत्ति क्या होती है, दैवी प्रवृत्ति क्या होती है, राइट, ये सारी चीजों का पता चलेगा। लेकिन फिर कुछ ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आपको कि क्यों पढ़ रहे हो, ये मत पढ़ो, एक काम करो ना, सिर्फ ये नाम जपो, तुम यही पूरा सार है। तो ऐसे लोगों को क्या बोला गया है, मूढ़ा, विमूढ़ा, विशेष रूपेण मूढ़ा, मूढ़ा नहीं है, विशेष रूप मतलब बोलते ना, उसमें भी एक स्पेशल कैटेगरी है, मूर्खों में भी स्पेशल कैटेगरी के मूर्ख हैं, एकदम एक्सक्लूसिव। तो बोलेंगे ये सब पढ़ने का कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ आप नाम लो और पहुंच जाओगे भगवत धाम, पढ़ने का क्यों आवश्यकता नहीं है, दिया किसने है गीता, शेक्सपियर, एल्बर्ट आइंस्टाइन, कितने लोगों को पता है, भगवान कृष्ण ने दिया, राइट, उन्होंने खुद बोला है। यदि तो भगवान के बारे में जानना है, जो भगवान ने दिया है वही नहीं पढ़ेंगे तो कैसे जानेंगे, ऑटोबायोग्राफी है किसी पर्सन की, राइट, अब आपको उस पर्सन के बारे में जानना है,
लेकिन आप मैगजीन में उसको ढूंढ रहे हो, कैसे मिलेगा? उसने ऑटोबायोग्राफी तो दे रखी ना, ये देखो भाई मैंने सब बता रखा है यहाँ पे, आई हैव गिवन एवरीथिंग अबाउट मी, बट हम उसको नहीं पढ़ रहे। तो उसी हिसाब से हमें अगर वो करना भी है, लेट्स से नॉलेज आ गया, स्पिरिचुअल मास्टर आ गया, तो कभी भी चैलेंजिंग एटीट्यूड से इंक्वायर नहीं करना है। हमारा क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, अरे आप तो ऐसा बता रहे हैं, भगवान तो ऐसा बता रहे हैं, लेकिन आप कृष्ण को भगवान कैसे बोल सकते हैं? पूरे महाभारत में उन्होंने छला है लोगों को ना। आप में से कितने लोग सुबह की भागवतम क्लास में थे आज, श्रीमद् भागवतम क्लास? 1 2 3 4 5, ओके 4 लोग। तो एलिगेशन लगाएंगे कि इनको कैसे भगवान बोल रहे हैं, क्यों बोला जा रहा है, क्यों? क्योंकि अभी भी उनका सेंटिमेंटल लेवल पे है भक्ति। तो इसके लिए क्या करना है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है, मात्र ज्ञान से ही सब कुछ नहीं होता। ज्ञान तो इतना है, नॉलेज इतनी है कि वेदों में पढ़ेंगे आप, वेद आपको घुमा देंगे, उपनिषद आपको घुमा देंगे, राह पे लाएंगे नहीं। बोलते ना द फ्लावरी वर्ड्स ऑफ वेदा, वो इतने उलझाने वाले हैं ना कि आप उलझ के रह जाएंगे उसी में, कर्मकांड में उलझ के रह जाएंगे, उसके ऊपर नहीं आ पाएंगे। तो ज्ञान पर्याप्त है आप लोगों के लिए भगवान को जानना? ज्ञान से पर्याप्त है? क्या लगता है आप लोग, कितने लोग सोचते हैं कि मैं पढ़ करके सब चीजें कर लूंगा? सभी लोगों को लगता है, इसको मैं प्रूफ कर सकता हूं। आप में से कोई हाथ नहीं उठा रहा, लेकिन मैं प्रूफ कर सकता हूँ। आप में से कितने लोग पढ़ रहे हैं, हाथ ऊपर कीजिए, स्टडी कर रहे हैं? कितने लोग पढ़ रहे हैं, करिए करिए अच्छे से हाथ ऊपर करिए। कितने लोगों ने पढ़ा है पहले, स्कूल उल गए हैं? सभी लोग गए हैं ना, सभी लोग गए, हाथ नीचे कर लीजिए। जब पुस्तक मिलती है, पुस्तक क्यों पढ़ते हैं? पुस्तक पढ़ के सब पता चल जाता है ना, क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है, हर एक चीज पता चल जाती है ना हमको। तो फिर आप बोल रहे हैं कि पुस्तक पढ़ के नहीं पता चल सकता, अब यहाँ बोल रहे हैं, अपने आप को ही आप लोग कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मैंने तो कुछ बोला नहीं कि नहीं पता चलता है, हाँ पता चलता है, मैंने तो पूछा ना, प्रश्न किया ना, तो उसे पता चलता है कि नहीं चलता है, सभी ने हाँ बोला। पहले क्यों ना बोला था फिर, कि पढ़ करके भगवान के बारे में नहीं जाना जा सकता? ये भी बोल सकते थे आप लोग, भगवान ने तो दिया है ज्ञान, तो आप कैसे बोल रहे हैं भगवान के बारे में नहीं जाना जा सकता? क्वेश्चन करिए, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड परिप्रश्न, है ना, मैं आप लोग को एक एक वर्ड समझा रहा हूँ। यू हैव टू लर्न हाउ टू क्वेश्चन। बाहर नहीं सिखाते, आप लोगों की गलती नहीं है, मेरी भी गलती नहीं है, ये मैं भी यहाँ आने के बाद ही सीखा हूँ। मैं भी पहले ऐसे ही बैठा रहता था, क्लू लेस, लास्ट में कहीं, फर्स्ट कहीं, ना मैं फर्स्ट में बैठता था नोटबुक लेकर के। तो हम लोग को यही सीखना है, यही एसेंस है स्पिरिचुअल लाइफ का, परिप्रश्न ना, जब तक पूछेंगे नहीं पता कैसे चलेगा ना। तो इसके ऊपर एक संवाद है, तो ये चैतन्य चेतामृत में चैतन्य महाप्रभु की लीला है। चैतन्य महाप्रभु पुरी आ जाते हैं, तो पुरी मंदिर में जब आते हैं चैतन्य महाप्रभु, तो भगवान के दर्शन करके वो दम फेंट हो जाते हैं एक्सटेसी में, राइट, जमीन पे पूरा फेंट हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि मतलब शरीर छोड़ दिया है चैतन्य महाप्रभु। तो वहां के जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, आप में से कितने लोग जगन्नाथ पुरी गए? 1 2 लोग, राइट, जो कि डिवोटीज हैं, यात्रा में ही गए थे। आप लोग यात्रा नहीं आते तो कैसे जाएंगे? हम लोग लेके भी जाते हैं जगन्नाथपुरी, अभी आप समझ पाते हैं इस चीज़ को, राइट। तो पुरी में वो क्या करते हैं, सिक्योरिटी आते हैं और बस चैतन्य महाप्रभु को मार करके उठा के फेंकने वाले होते हैं। मारना मतलब डंडे से, वैसे चाकू से नहीं, मार करके बाहर फेंकने वाले होते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य, इनके पास ये बहुत प्रखंड विद्वान थे, वेरी स्कॉलरली, ये गृहस्थ थे, हाउस होल्डर थे, लेकिन इनके पास शिक्षा लेने के लिए सन्यासी आते थे, सन्यासी जाते थे सार्वभौम भट्टाचार्य के पास, राइट। तो वो आते हैं, वो आते हैं और क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं आप लोग क्यों मार रहे हैं इनको, ऐसे सन्यासी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते आप लोग। तो वो स्वयं उनको लेके आते हैं अपने घर, फिर उसके बाद लीला है, वो उठते हैं, लंच करते हैं, सारी चीजें। तो उनके भाई रहते हैं, ब्रदर इन लॉ, उनका नाम रहता है गोपीनाथ आचार्य। तो गोपीनाथ आचार्य हमेशा तर्क वितर्क में रहते हैं, किसके साथ में, किसके साथ में, बोलिए बोलिए, किसका नाम लिया था मैंने, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु तो बेहोश है ना, कौन है वो ग्रह? देखिए हमारी मेमोरी, देखिए आप लोग अटेंटिव स्पैन देख रहे हैं। आचार्य गोपीनाथ आचार्य तो मैंने बताया,
सार्वभौम भट्टाचार्य, ठीक है? अब ध्यान से सुनिएगा, सार्वभौम भट्टाचार्य को बोलते तुम तो मूर्ख हो, इतने बड़े विद्वान, प्रखंड विद्वान, विद्वानों में भी विद्वान, उनको बोल रहे हैं तुम मूर्ख हो। क्यों मूर्ख हो? क्योंकि तुम भगवान को नहीं समझ पाते। तो फिर जब आते हैं तो गोपीनाथ आचार्य देखते हैं तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु इनके घर आए तो बोलते हैं, अरे तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारे पास स्वयं भगवान आए हैं, तुम इतने मूर्ख हो, तुम ये समझ नहीं पा रहे। तो अब जो उनके शिष्य होते हैं वो आ जाते हैं तर्क वितर्क करने के लिए, तर्क वितर्क थोड़ा चलता है, फिर बाद में गोपीनाथ आचार्य क्या बोलते हैं कि आप लोग नहीं समझ सकते, मैं आप लोग को समझा भी नहीं सकता और आप लोग समझ भी नहीं सकते। क्यों? ज्ञान नहीं था उन लोग के पास, प्रखंड विद्वान के शिष्य हैं, शिष्य तो होगा ही ना। गुरु तभी शिष्य को अप्रूव करता है कि आप जाके डिबेट करो जब तक उसके पास सफिशियंट नॉलेज होता है, और नॉलेज नहीं होगा तो बोलेगा नहीं एक काम करो तुम पीछे बैठो, तुम जाओ, जो क्वालिफाइड रहेगा उसको प्रेजेंट करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा जाता है, राइट? तो अब होता क्या है यहाँ पे, तो गोपीनाथ आचार्य रीजन क्या देते हैं इसका कि भगवान को समझने के लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी के बारे में कौन कौन नहीं जानता, हाथ ऊपर करे, सभी लोग जानते हैं। तो आप लोग में से कितने लोगों को पता ब्रह्मा जी ने भगवान को जानने के लिए कितने वेद पढ़े थे? ये भगवान ब्रह्मा जी ने वेद पढ़े थे क्या? कितने लोग बोलते हैं उन्होंने वेद पढ़े थे ब्रह्मा जी ने? कितने लोग ऐसा पता ही नहीं है, पढ़े थे नहीं पढ़े थे पता ही नहीं, ठीक है? तो ब्रह्मा जी ने सिर्फ एक शब्द सुना था, वो था तप। वो ढूंढ रहा था, वो उनको पता ही नहीं मैं आया कहाँ से, कहाँ जाना है, कहाँ हूँ, कुछ पता नहीं। तो उनको सुनाई दिया तप, एक शब्द तप इतना, और फिर उसी पर मेडिटेट करने लगे। फिर भगवान ने जब कृपा की उनके ऊपर तो उनको पूरा चीज हृदय में प्रकाशित हो गया, सारे वेद ग्रंथ सब चीजें, हर एक चीज हम लोग अपने गुरु पूजा में गाते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। इसका मतलब ये नहीं कि हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक दिन हृदय में आ जाएगा, हमारे लिए वो नहीं है, वो ब्रह्मा जी के लिए, एग्जॉल्टेड पर्सनैलिटीज के लिए वो। इसीलिए वो बोलते हैं कि गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं कि आप लोग कुछ भी करके नहीं समझ पाएंगे इसको, क्योंकि आपके पास भगवान की कृपा ही नहीं है, और जब तक कृपा नहीं होगी तब तक क्या पॉसिबल है, कुछ पॉसिबल नहीं। और इसी पे हमारा एक मंगलाचरण मंत्र है, आप लोगों को पता होगा, मुकम करोति वाचालम् पंगुम लंघयते गिरिं यत् कृपा तदहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वर। मुकम करोति वाचालम्, जो गूंगा है ना वो भी बोल सकता है भगवान की कृपा की वजह से। पंगुम लंघयते गिरिं, जो लंगड़ा है वो पर्वत पार कर सकता है। यत् कृपा तदहं वन्दे, जो जिसके ऊपर आपकी कृपा है, इसकी माधव की, भगवान श्री कृष्ण की। तो हमको समझना है, कृष्ण को समझना है, कैसे समझे आप, वो तो इनकंसीवेबल है ना। तो किसकी कृपा की आवश्यकता है? भगवान की। तो भगवान की कृपा किस रूप में आती है बताइए बताइए, पता तो रहना चाहिए ना कि हमको कृपा मिल चुकी है। पता ही नहीं है कृपा किस फॉर्म में आ रही है, तो फिर कृपा होने के बावजूद भी हम लोग बोलेंगे यार आया ही नहीं। हाँ, फ्रॉम हुम? मी? एक्चुअली स्पिरिचुअल मास्टर इज द राइट टर्म, आचार्य सही बोला आपने, मैं आचार्य नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा आचार्य शब्द का अर्थ होता है जो अपने आचरण से लोगों को सिखाता है। आप सिर्फ मुझे यहाँ देख रहे हैं, आप मेरा आचरण देख रहे हैं बाहर, सिर्फ मंदिर में देख रहे हैं, मैं बाहर क्या कर रहा हूँ क्या पता, क्या पता मैं जोक मार रहा हूँ बाहर और यहाँ पे फिलॉसफी दे रहा हूँ, राइट? तो आचार्य शब्द का अर्थ यही होता है जो अपने आचरण से लोगों को सिखा, राइट? तो सबसे महत्वपूर्ण यही है गुरु, गुरु की कृपा। अब इसके ही संवाद में, अब मतलब इसी एक कनेक्शन में यमुनाचार्य थे, तो यमुनाचार्य के एक शिष्य थे, तो वो एक बार नाम जप कर रहे थे, बहुत गहरे मेडिटेशन में थे, उनका नाम मैं भूल गया, गोष्ठीपूर्ण ऐसे करके उनका नाम था, गोष्ठीपूर्ण। तो बहुत तीव्र रूप से जब करते, तो उनके गुरु ही उनसे पूछते तुम किसके ऊपर मेडिटेट कर रहे हो, कौन सा ऐसा मंत्र तुम मेडिटेट कर रहे हो इसके ऊपर जो तुम सिद्ध हो गए।
उन्होंने कहा द लोटस फीट ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज द हाइएस्ट, वही एक मंत्र है जिसके ऊपर मैं मेडिटेट कर रहा हूँ, और वही गोष्ठी पूर्ण है आगे चल के रामानुजाचार्य के गुरु बने, उन्होंने ही ये मंत्र दिया उनको। फिर उन्होंने पूरा ऊपर चढ़ करके चिल्लाया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। ये बहुत अच्छा पास टाइम है जिससे हम लोग सीख सकते हैं। सिमिलरली अब इस केस में अगर हम लोग समझने जाएं कि हाँ चलो स्पिरिचुअल मास्टर आ गए, स्पिरिचुअल मास्टर आ गए, स्पिरिचुअल मास्टर से कृपा, कृपा ही भगवान की, इसलिए स्पिरिचुअल मास्टर। लेकिन आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं सेवा, आप मेरी सेवा करो, स्पिरिचुअल मास्टर हो करके अपने आप को स्पिरिचुअल मास्टर बताते हैं, लेकिन बोलेंगे आप सिर्फ मेरी सेवा करो, तो कैसे समझे वो स्पिरिचुअल मास्टर है कि नहीं? क्वालिफिकेशन क्या है स्पिरिचुअल मास्टर को यदि समझना है, तो आप कैसे जानेंगे कि ये व्यक्ति जो बोल रहा सही बोल रहा है? गुरु परंपरा से आने चाहिए। एक्शन में, एक्शन में कैसे जानेंगे? वो किसी बोनाफाइड संप्रदाय का भी हो सकता है। एग्जैक्टली तो हमको ये देखना है कि दिस इज हाफ ट्रू, इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कभी कभार ऐसा हो बोलेगा सिर्फ मेरी सेवा करो तुम बस, लेकिन गुरु का डेफिनेशन क्या? गुरु टेक्स यू नियरर टू कृष्णा, वो आपको कृष्ण के पास लेके जाते हैं, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ऐसा नहीं कि आप ऐसे उनको सीढ़ी बना करके पहुंच जाएंगे, नहीं, वो हाथ पकड़ के लेके आएंगे, कृष्णा इज हियर। तो और कैसे उनकी कृपा होगी? आप में से कितने लोग मंगल आरती आए हैं सुबह सुबह? हाथ नीचे कर दिए। तो हम लोग मंगल आरती में गाते संसार दावा नवलील डोका, प्राणाय कारुण्य घना घना प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरुश्री चरणारविंद। तो प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य, तो गुणार्णवस्य इसका अर्थ क्या है किसी को पता? गुण का अर्थ चलो समझ लिए, क्वालिटी होता है। आर्णव का अर्थ क्या है? रोज गा रहे हैं, मुझको भी आज ही पता चल रहा है, तो इतना सरप्राइज होने की जरूरत नहीं कि मैं रोज मेडिटेट कर रहा हूँ। लेकिन जिस प्रकार से मैं भी इस चीज पे स्टम्बल हुआ, मैं चाहता हूँ आप लोग भी स्टम्बल हूँ। जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उसको कोई भी प्लीज अपना क्रिटिसिज्म मत लीजिएगा, एक क्वेश्चन हास्यरस में नहीं हो रहा है, दिस इज जस्ट इट्स अ डिस्कशन नॉट अ डिबेट, राइट? ताकि हम इससे कुछ लेके जाएं। तो आर्णव का अर्थ है ओशन, कृष्ण क्या है? कृपा के सागर हैं, और वहां से बूंदे ले रहे हैं कौन? हमारे जो गुरुवर्ग हैं, और उसकी बारिश कर रहे हैं हमारे ऊपर, कृपा इज बीइंग ड्रॉप्ड ऑन अस। क्यों क्या बारिश करें? अभी आप लोग यहाँ बैठे हुए, इतना ठंडा, मैं बारिश कर दूं आप लोग, अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना, किसी को नहीं लगेगा। सबसे पहला चीज क्या? संसार दावा, दावानल, दावानल, दावानल का अर्थ क्या होता है? एक ऐसी जगह जहाँ पे हम लोग इस भौतिक जगत में आग लगी पड़ी है, तो आग लगी पड़ी है तो बारिश की आवश्यकता है ना। कितने लोग आग में रहना चाहेंगे? घर में आग लगा दो बस बैठे रहेंगे, वाह कितना अच्छा, टीवी लगा हुआ है, चल रहा है टेलीविजन, चल रहा है एसी, चलो अब आग लगा दिए, चलो आग, अच्छा अच्छा एटमोसफियर है, कोई रहेगा बैठा रहना चाहेगा कोई? इस भौतिक जगत में आप में से कितने लोग रहना चाह रहे हैं? अच्छा लग रहा है, अच्छे दोस्त हैं, अच्छा घर है, खाने पीने के लिए अच्छा, रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते बताइए? रहना चाहते हैं? नहीं रहना चाहते हैं। कहाँ जाएंगे फिर? भगवत धाम जाएंगे। एड्रेस क्या है? ओला करेंगे कि उबर? या हाँ हरिनाम, हरिनाम, हरिनाम से पहुंच जाएंगे। कितने लोगों को श्योर है हरिनाम से पहुंच जाऊंगा? हाथ ऊपर कीजिए। हाँ इतना विश्वास है हरिनाम से पहुंच जाएंगे? मैं बोलता हूं नहीं पहुंचोगे। गुरु की कृपा होगी तो भी नहीं पहुंचोगे। उसमें भी नहीं पहुंचोगे, बिकॉज यू कैन ऑफेंड अ डिवोटी इफ यू हैव नॉट राइट एट यू डोंट हैव। सो जो हरिनाम है, हरी नाम कैन गिव यू, लेकिन जैसे प्रभुपाद ने बोला, क्योंकि मैं कल आई वॉज इन कन्वर्जेशन इन कन्वर्जेशन क्या मैं क्वेश्चन कर रहा था हिज होलीनेस भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज से,
मेरा क्वेश्चन था वो, दैट इज पर्सनल, उसको हटा देते। तो महाराज बोले थे, प्रभुपाद सेड चैंट एंड गो बैक होम बैक टू गॉडहेड। इफ द प्रोसेस वॉज सो सिंपल देन एवरी वन कैन चैंट एंड एवरी वन कैन गो बैक होम बैक टू गॉडहेड ना। क्या आपको कोई स्पेशल मंत्र दे रहे हैं क्या? नहीं ना, वही सेम मंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देवानंद भी चैंट कर रहा था अपने मूवी में, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम या हरे राम हरे कृष्ण, जो भी बोल रहा था वो भी तो किया गया क्या भगवत धाम? अभी भी पड़ा हुआ है कहीं पे ना, कितने सारे लोग हैं कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, कितने सारे पाखंडी हैं, पाषंडी हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं लेकिन इतने सारे चार्जेस लगे हैं उनके ऊपर, जेल में पड़े हुए हैं, ले रहे हैं ना भगवान का नाम ले रहे हैं कि नहीं? कैसे बोल रहे हैं फिर हरि नाम से पहुंच जाएंगे आप लोग? हाउ कैन यू ऑल से, व्हाट्स द प्रूफ? सेंटिमेंट में आप लोग कि तत्व क्लियर है? किसका तत्व क्लियर है? हाथ ऊपर कीजिए। अभी तक तो सबने हाथ ऊपर किया कि हम भगवान का नाम लेकर के भगवत धाम चले जाएंगे। कैसे जाओगे? कौन था सेवा किसकी? डायरेक्ट मिल जाएगी किसकी सेवा? कौन से लोगों की? नहीं, लोग मतलब बाहर भिखारी है, इनका मैं बोल रहा हूँ एक एग्जाम, बाहर भिखारी, आप उसको खाना खिला दिया, खा लिया खाना, सुबह जा करके उसको डिकम्पोज कर दिया और वहाँ हाथ दिखा दिया, आशीर्वाद दिया, लोगों का सेवा कर दिया, हो गया कौन है? या फिर आप उसको दान दे रहे हो कुछ पैसे, वो जाके बाहर सुट्टा मार रहा है, पहुंचोगे आप तो उसके सेंस ग्रेटिफिकेशन को और इंक्रीज कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू बिकम गॉड इन सेंस। आप देखोगे दिस इज अ वेरी सटल कंडीशनिंग कि इसके पास नहीं है मैं इसको दूंगा क्योंकि ले मेरे पास है। उदारता नहीं है ये, दिस इज प्रोप्राइटर मेंटालिटी। ये बहुत सटल लेवल की चीज है। हम लोग जो बोलते हैं ना, हम लोग ईश्वर बनने का प्रयास कर रहे हैं इसीलिए भौतिक जगत में पड़े हुए हैं, तो ईश्वर की वृत्ति इतनी पतली है मिस हो जाती है, देख ही नहीं पाओगे आप लोग कहाँ गलती कर रहे हैं हम लोग। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लोगों की सेवा। आप क्या बोल रहे थे? हाउ डू यू आइडेंटिफाई डिवोटी? आई एम वेयरिंग धोती कुर्ता, स्ट्रेट तिलक, शिखा, बिग शिखा, नॉट अ स्मॉल वन, बिग शिखा। भक्त तो कर्म करता ही नहीं है। तो कितने साल से आ रहे हैं हम लोग, कितने सेशंस बैठे हैं आप लोग सेल्फ एक्सीलेंस के? इट इज नॉट अ प्रोग्राम टू सिंपली कम सिंपली हियर, अच्छा सा प्रसाद लेंगे फिर चले जाएंगे बाहर, आराम से अपना लाइफ जिएंगे, देन अगेन नेक्स्ट संडे वी कम, नेक्स्ट संडे दूसरा मेन्यू होगा, बस वही चेतना लेके आएंगे, वही सुनेंगे, फिर उसको बाहर निकाल देंगे, प्रसाद अंदर जाएगा उसको भी बाहर निकाल देंगे, फिर आएंगे। लोडिंग रीलोडिंग वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे सर। वी शुड क्वेश्चन आवर सेल्फ, आई हैव टू बी टफ बिकॉज मेरे ऊपर भी ऐसी टफनेस अप्लाई की गई है, तभी मैं सोचने पे मजबूर हुआ हूँ। इट्स नॉट कि मैं आप लोग को ऐसे ही बोल रहा हूँ, दिस इज द रियलाइजेशन। देर आर डिवोटीज जिनको बोला गया यू आर यूजलेस, यू आर यूजलेस, नाउ जस्ट लुक एट देम, वो चेस्टाइजमेंट उनके ऊपर काम किया, बट दिस इज, ये मैं कुछ स्पेक्यूलेट कर रहा हूँ या रियलिटी बता रहा हूँ। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ? हाथ ऊपर कीजिए। मुझको लग रहा है अभी भी कोई हाथ ऊपर करना चाहता तो कर सकता है। वेरी फेमस फॉर डिफीटिंग माई ओन व्यू पॉइंट्स। कोई नहीं कर रहा, ठीक है, चलिए, अच्छा, एटलीस्ट यू आर नॉट, लोक मत से नहीं जाते आप। तो क्या करना, आप में से कितने लोग नोटबुक और पेन लेके आए हैं? एनी वन हु इज हैविंग, लेकिन सामने नहीं है ना, लाके क्या फायदा, जंग में चले गए, बंदूक लाया हूँ, कहाँ है, यहाँ रखा है, जंग में जा रहे हैं तो बंदूक कहाँ रहनी चाहिए? अब खत्म हो गया लेक्चर, अब रहने दीजिए। तो
व्हाट्स द पॉइंट? हम लोग पॉइंट्स ही नहीं लिख रहे तो पॉइंट पे मेडिटेट कैसे करेंगे? हाउ डू वी डू दैट? सो डोंट जस्ट कम हियर विथ क्वेश्चंस. माइंड ऐसा ही है, इसीलिए फंसे हुए हैं ना. चलायमान नहीं है, इट्स नॉट डायनामिक, इट्स स्टैटिक. सेम चीज कर रहे हैं, सेम शेड्यूल है. उठना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, आना है. ये वेब सीरीज नहीं निकली है, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया, ये वेब सीरीज बिंज वॉच करनी है रात तक, अगेन फिर नेक्स्ट डे उठना है, फिर नई वेब सीरीज मिल जाएगी हमको या कुछ और मिल जाएगा, देन वी बिंज वॉच, राइट? और फिर थोड़ा डिटॉक्स होने के लिए मंदिर में आ जाते हैं, थोड़ा अच्छा इतने टाइम का एनर्जी चला गया है, पूरा रिचार्ज होने के लिए आ जाएंगे, फुल रिचार्ज होंगे, फिर एक हफ्ता, राइट? डोंट डू इट लाइक दैट. ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिला है हम लोगों को, बहुत रेयर है ब्रो, इट्स रियली रेयर. ऊपर से आप लोगों को इतना अच्छा इंटेलिजेंस, इतने अच्छे संस्कार मिले, यू ऑल बिलोंग टू वेरी पायस फैमिलीज, बहुत सारे पुण्य कर्म किए होंगे ना, तब जाके आपके परिवार में आपके इतने पूर्वजों ने इतने पुण्य कर्म किए, तब आप लोग आए हैं और तब आप लोग की रुचि है इसमें. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप सब गलत हैं, आप सब लोग बाहर के क्राउड से बहुत डिफरेंट हैं, दैट इज वाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू ऑल इज वेरी हाई, आप लोगों से उम्मीदें थोड़ी ज़्यादा हैं. बाहर तो लोग अपना कर रहे हैं, संडे का उनका डिफरेंट प्लान है, कितनी सारी मूवीज निकली हुई हैं, उनके अलग अलग पोस्टर लगे हुए हैं, वो तो अपना पोस्टर्स जा रहे देख रहे हैं, आप लोग यहाँ का पोस्टर देख के आ रहे हैं. That's the difference between them and you. Start inquiring, start asking questions. इतने beautiful, beautiful devotees हैं हमारे पास में पीछे, धोती कुर्ता तिलक. Ask them questions. They are there to help you. हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मशीन डिजाइन कर रहे हैं क्या पीछे? पंडाल लगा रहे हैं जो जन्माष्टमी का हो रहा है. क्या सेवा है हमारा? हमारा सेवा है to help you all. Because when we help you all, that it's like killing, बोलते हैं ना, two birds with a single arrow, right? Hitting two targets with a single arrow, you can say. कि आप लोग इंटर्न हम लोग को भी हेल्प करेंगे. इफ यू आस्क क्वेश्चन, बिकॉज़ वी विल बी ऑब्लाइज्ड टू टेल यू समथिंग व्हिच वी आवरसेल्व्स हैड कवर्ड इट अप. पता ये भी है, ये भी है, ये भी है, इतना सारा पाइल अप हो गया, तो आपके लिए हमको ढूंढना पड़ेगा क्या सोल्यूशन है, राइट? स्टडी. आप ऐसे कितने लोग ऐसे हैं जो रोज भगवदगीता पढ़ रहे हैं? आपका नाम हर्ष, देखिए आपका नाम हार्दिक, एच एच. और कोई? कितनी एज है आपकी? 14. आपकी? 9. अच्छा, सोचिए अब जो लोग 20 के ऊपर हैं, 25 के ऊपर हैं, और क्या चाहिए आप लोग को इंस्पिरेशन के लिए? Hardik and Harsh, two are reading, 14 years and 9 years old. Daily reading Bhagavad Gita. हम लोगों से ज़्यादा difficult schedule होता है उनका. Compulsory जाना है school उनको, compulsory tuition जाना है. हम तो bunk मार लेते हैं college में से, ना? कहीं भी चले जाते हैं हम लोग घूमने उमने के लिए, जब इच्छा करते हैं आ जाते हैं. उनको parents के साथ यहाँ आना पड़ता है, इतनी permissions निकालनी पड़ती है, reservation करना होता है. और हम लोग के पास, कितने लोगों के पास भगवद गीता है ये बताइए, हाथ ऊपर कीजिए. अब जितने लोगों के पास भगवद गीता है और फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं, वो लोग हाथ ऊपर कीजिए. कब पढ़ना प्रारंभ करेंगे आप लोग? बोलिए, एक एक करके बोलिए. जिस जिसने हाथ उठाया था वापस हाथ उठाइए. हाँ, आपसे स्टार्ट करते हैं. कब करेंगे आप प्रारंभ पढ़ना? हाँ, क्यों? 5 मिनट है आपके पास दिन में, बस प्रारंभ कीजिए, 5 मिनट दीजिए. और कौन था? हाथ ऊपर ही रखिए, जिससे मैं बात कर लूंगा वो नीचे कर लेना. फिर पहुंच गए हैं आप. 16वें अध्याय का नाम क्या है? 18वें तक पहुंच गया, मतलब 16 पता रहना चाहिए, नहीं पता, ठीक है. हाँ प्रोजी, आप पढ़ते हैं रोज? नहीं, अच्छा, शुरुआत नहीं किया. कब करेंगे? कब कब? यही बोल बोल के अभी तक नहीं किया है आपने. करता हूँ. कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है 7 तारीख, भगवान को थोड़ा गिफ्ट दीजिए ना, पढ़ के आइए, बोलिए भगवान मैं चालू कर दिया हूँ, आपने जो दिया है, जो भेजा है मेरे पास. एटलीस्ट ट्राई कीजिए 2 श्लोक का, 4 श्लोक का एक दिन में पढ़ने का.
सिंपल है बहुत। और किसने हाथ ऊपर किया था पीछे उस साइड पे? कब करेंगे आप? डेली करेंगे। और कौन था? हाँ हम लोग, हाँ हम लोग सीनियर जूनियर में होते हैं जब, तो हमको जब बोला जाता है ए फॉर एप्पल, तो कभी ये पूछते क्या ए कंसोनेंट है कि वावल है? पूछा कभी आपने? वन बोला, 1 2 3 4, तो वन प्राइम नंबर है कि ऑड नंबर है? पूछा। आगे चल के कंसेप्ट आते हैं ना, तो अभी सिर्फ पढ़िए, जस्ट रीड, गो थ्रू इट, उसके बाद जो डिफिकल्टी आएगी उसके लिए डिवोटीज बैठे हुए हैं यहाँ पे। जैसे बुक्स होती है ना, तो उसके लिए सप्लीमेंट्री बुक्स होती है, तो गीता के लिए भी बहुत सप्लीमेंट्री बुक्स है हमारे पास में, वहां पे लगी हुई है, तो वो भी ले सकते। और कौन था? और कौन हाथ ऊपर किया था पीछे? हाँ आपका नाम? प्रियांशु। ओके अच्छा, यहाँ पे भूषण प्रभु भी हैं जो हाथ ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन वालों को मैं थोड़ा देख नहीं पा रहा, आप लोग क्षमा कीजिएगा कि आप लोग के लिए मोटिवेशन है कि ऑफलाइन क्लासेस में आइए। तो प्रियांशु, आपके पास है भगवद गीता हिंदी में कि इंग्लिश में? हाँ तो वही हिंदी में है मतलब। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। कब पढ़ेंगे आप? आज से पक्का? ठीक है चलो। कितना श्लोक? टू प्लस टू। और कौन था? ठीक है, हाथ नीचे कर। क्या बात कर रहे हैं, आप इंडिया में पैदा हुए या? हंसने की बात नहीं। ठीक है, तो अच्छी बात है। वैसे आप श्लोक नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप अनुवाद और तात्पर्य पढ़ सकते हैं। अच्छा, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो इंग्लिश ले लीजिए या ऑडियो बुक्स है, हमारे भगवद गीता की ऑडियो बुक्स है, अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो फिर वो सुन सकते हैं उसको लगा करके, लेक्चर्स एंड प्रभुपाद। आपका नाम? प्रज्वल। और कौन था? अच्छा, तो आप तो करेंगे आज से प्रारंभ। नहीं, उनका वो पीछे हाथ ऊपर किया था ना। चलो स्टार्ट कीजिएगा। राइट, किनके साथ आप आए हैं? आपके साथ भाई हैं आप? चाचा। चाचा हेल्प करेंगे आपकी, बट आपको मेक श्योर करना है कि चाचा को भी बिठा करके थोड़ा जबरदस्ती। कितना श्लोक, कितना श्लोक करेंगे? बोलो बोलो, जोर से बोलो। चार। ओके ठीक है, और इसको डबल करना है हमको। राइट, डबल करना है। मार्क्स लेके आते हैं हम लोग एग्जाम्स में, घर वाले क्या बोलते, थोड़ा और लेके आओ, थोड़ा और लेके आओ। तो वैसे भगवान को भी अच्छा लगता है जब हम लोग भगवान के बारे में स्मरण करते हैं, पढ़ते हैं। जब संस्कृत आप मात्र पढ़ेंगे तो उससे चेतना, आपकी जिह्वा भी शुद्ध होगी। राइट, सबसे महत्वपूर्ण है कि भगवान के बारे में जाने, तभी भगवान प्रसन्न होंगे। तो इसको हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, खत्म करते हैं। आप लोगों का कोई प्रश्न है किसी का, इसको लेकर के या किसी और चीज को लेकर के? अच्छा, भूषण प्रभु का प्रश्न है, तो इनका ऑनलाइन मैं कैसे दूं? प्रभु जी, आप कृष्णा प्रभु को भेज सकते हैं अपना क्वेश्चन, देन वी कैन डिस्कस इट लेटर। ऑफलाइन किसी का क्वेश्चन है? अच्छा, तो इनका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम लोग भगवत धाम पहुंचेंगे कैसे। राइट, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज का जो टॉपिक था। कितने लोगों को आंसर मिल गया है इसका, हाथ ऊपर कीजिए। इन्होंने प्रश्न तो पूछा, किसी को पता ही नहीं, तो फिर लेक्चर खराब था पूरा। सबसे इम्पोर्टेंट क्या था लास्ट में, हमने क्या बताया? हमको कृष्ण की कृपा कौन दे रहा है? गुरु दे रहे हैं। राइट, जो गुरु हैं उनके प्रति शरणागत होना है। गुरु के लक्षण क्या है? रियल गुरु जो आपको कृष्णा के पास लेके जा रहे हैं, हाँ, आचरण कर रहे हैं जो शास्त्रों का, और जो आपको कृष्ण के पास लेके जा रहे हैं। राइट, जो बोनाफाइड है, जिनसे आप प्रश्न कर रहे हैं आपको उत्तर मिल रहा है। अब ऐसा नहीं कि कोई मुझको उत्तर दे रहा है लेकिन मैं उससे सहमत नहीं हूँ तो उसको त्याग दूंगा ना। मंडेन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लगाना है कि मेरे हिसाब से रहेगा, शास्त्र विधि से चलना है। राइट, सो हाउ डू यू अंडरस्टैंड, दिस इज अंडरस्टैंडिंग नॉट अटेनिंग। प्राप्त करना नहीं है, समझना है। भगवान को प्राप्त करके क्या करेंगे आप? समझ करके कम से कम सेवा करनी है ना हमको भगवान की। तो भगवान के प्रतिनिधि गुरु हैं।
गुरु मतलब वही नहीं कि हाथ में डंडा ले लिया सब कुछ, उस गुरु फर्स्ट शिक्षा, शिक्षा इज वेरी इंपॉर्टेंट, शिक्षा लेनी है, दैट इज द मेन थिंग। तो हम लोग को ये समझना है और गुरु की कृपा से ही जो हो सकता है वही महत्वपूर्ण है। और किसी का क्वेश्चन पूछिए, माइक माइक ले लीजिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। भगवत गीता और भागवतम में क्या अंतर है? जैसे भगवत गीता जो है वो भगवान ने बोली है, ठीक है, तो उसमें भगवान बता रहे हैं क्या क्या गुण होते हैं एक भक्त के। जैसे अभी आप हैं, हाँ, और मम्मी है आपकी, तो आपको मम्मी, या फिर समझ लीजिए कैसे संबंध पता चलेगा, जब कोई बताएगा ये आपकी मम्मी है, या आपसे कोई पूछेगा आपका संबंध क्या है इनसे, टीचर पूछेगी ये कौन है, कभी आप लेके गए होंगे, तो आप क्या बोलेंगे उनको कि ये मेरी मम्मी है, राइट, तभी टीचर को पता चलेगा ना। उसी प्रकार से भगवद गीता में भगवान क्या बोलते हैं, जो जीव है वो मेरा अंश है ना, तो ये स्थापित होता है वहां से कि हम लोग भगवान के या भगवान हमारे क्या लगते हैं, वो परम पिता है। और जो श्रीमद् भागवतम है, भागवतम क्या बताता है, अब तो पता चल गया है कि पिता है, तो पिता के साथ क्या करना है, अब पिता के साथ आप क्या कर सकते हैं, पिता के साथ दोस्त के जैसे कंधे पे हाथ रख के घूमेंगे आप, नहीं ना, पिता को आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, सेवा करेंगे पिता की, और पिता उसके रिटर्न में क्या करेंगे आपके लिए, तो ये आगे चल के अभिधेय होता है। तो इसमें आगे भगवान के साथ किस प्रकार से आपको डीलिंग करना है, वैसे भगवान के बहुत बड़े बड़े भक्त महाजनों के बारे में दिया गया है कि जिसने भी भगवान के दिए हुए आदेशों का, जो भगवद गीता में दिया हुआ है, जिसने उसका पालन किया उसके साथ क्या हुआ, और जिसने उसका पालन नहीं किया उसके साथ क्या हुआ ना। वरना हम लोग बोल सकते हैं इसमें तो भगवान ने बोल दिया मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा, ऐसा आया होगा ना क्वेश्चन, भगवान ने बताया अगर मैं ये नहीं करूं तो क्या होगा, तो उसका उत्तर भागवतम है।